राजधानी देहरादून में आज जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मात्र एक ही कर्मचारी प्रदीप कुमार पर्यवेक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि अधिकारी सहित 19 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसके चलते अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन रोकने के लिए एसडीएम ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। इसी विषय को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि आए दिन कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद निरीक्षण कर तमाम खामियां पाई गई, जिसके तहत लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कई वर्गों से व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर और जो हमारी रिसीट्स दी जाती हैं ट्रेडिंग में, उनको लेकर कुछ इश्यूज थे, तो हमारी टीम ने आज निरीक्षण किया है। उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जैसी भी आएंगी तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली, वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है, तो हमारे पास मंडी में पर्याप्त फंड्स उपलब्ध रहते हैं, तो व्यापारियों के दृष्टिगत और जो किसान दूर दराज से अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर सेल ऑफ करने आते हैं, वो अपना समय, काफ़ी समय यहाँ पर व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए भी सुविधाओं को सुगम करना मंडी का दायित्व है। इसके साथ ही एक हमारा डेवलपमेंट फंड होता है, जहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है किसानों का, वहाँ पे जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, इनको भी हम सप्लीमेंट करते हैं, ताकि उनकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए, न्यून हो जाए। उसके लिए भी प्लान तैयार किया जाए।